हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी। तो DDU में कुल मिला के दो तरह के इंस्टीट्यूट्स है, पहला है ग्रांटेड और दूसरा है सेल्फ फाइनेंस। दोनों एक ही कैंपस के अंदर है, बट दोनों के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीस का। गवर्नमेंट मतलब ग्रांटेड के अंदर यहाँ पर फीस चार्ज होती है 1500, जबकि सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पर फीस चार्ज होती है एक साल की 1,66,950। दिस इज फॉर एंटायर वन ईयर। यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि ग्रांटेड के स्टूडेंट्स और यहाँ पर प्राइवेट के स्टूडेंट्स को अलग अलग बैठा के क्लास होती है या फिर एक ही क्लास में यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स बैठते हैं। ये मुझे यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स के साथ चेक कर लेना होगा। बाकी तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर ब्रांच की डिटेल और नंबर ऑफ सीट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोनों की वेबसाइट एक ही है और दोनों का यहाँ पर वेबसाइट एक ही है और दोनों का यहाँ पर एड्रेस भी आपके लिए सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईसी इंजीनियरिंग एंड आईसी इंजीनियरिंग की यहाँ पर कुल मिला के 249 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है ग्रांटेड के लिए। जबकि यहाँ पर SFI की मैं बात करूँ तो SFI में यहाँ पर 5 ब्रांच की कुल मिला के 411 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रांट टोटल होता है 660, यानी कि 660 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है कि जिसके अंदर ग्रांटेड और सेल्फ फाइनेंस दोनों की दोनों इंक्लूड है। दोनों में आने वाली कॉमन ब्रांच में कौन कौन सा है? दोनों में आने वाली कॉमन ब्रांच में केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल प्राइवेट में नहीं है, ठीक है। केमिकल, कंप्यूटर, ईसी इंजीनियरिंग, आईसी इंजीनियरिंग, ये दोनों के अंदर कॉमन देखने को मिलता है। जबकि सेल्फ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर नया है और इसके अलावा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ऐसा ग्रांटेड के अंदर नया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोनों का लोकेशन है खेड़ा के अंदर और फीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर DDU का सबसे माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर बॉयज हॉस्टल नहीं है, बट आसपास यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको प्राइवेट PGs हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी है, बट यहाँ पर फीस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स की फैसिलिटीज भी आपके पास अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर DDU का कुछ इस तरह से यहाँ पर आउटकम निकल के आता है। अगर आप रिव्यूज़ की बात करें तो मैं यहाँ पर रिव्यूज़ के लिए अलग से वीडियो कैप्चर कर दूंगा, बट यहाँ पर मैं हाईलाइट बता दूँ तो DDU में यहाँ पर ग्रांटेड के अंदर एडमिशन मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली ले लेना चाहिए। और यहाँ पर कंप्यूटर का प्लेसमेंट देखें तो ये एवरेज से ऊपर है और टॉप से थोड़ा सा नीचे है। निर्मा से इसका कंप्यूटर का प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे आता है। अगर यहाँ पर SFI में कंप्यूटर में मिल रहा है तो भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि अगर फीस की आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल है, 1,70,000 आपको कोई दिक्कत नहीं है एक साल में, तो फिर आप SFI में ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि SFI के सामने आप कोई यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज पकड़े तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज माई मेन परसेप्शन इज हियर इज फीस। यहाँ पर आपको 1,70,000 ऑलमोस्ट पे करने होते एक साल के, जबकि यहाँ पर अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में भी यहाँ पर आपको 1,500 ही पे करने होते। सो मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि आप LD, BCSE या फिर GEC गांधीनगर जैसे कॉलेज को भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।